हेलो दोस्तों, आपका दोस्त राकेश मिश्रा ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग इंडिया। बता नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है दोस्तों। बहुत दिन से सोच रहा था, बहुत सारी पोस्ट लिखता हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन सारे कम्युनिकेशन मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। लेकिन अब क्या करें, कितना भी NRI बन जाए, कितना भी विदेशी बन जाए, लेकिन आखिर में दिल है हिंदुस्तानी। सो दोस्तों, बहुत खुशी, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी खुशी हो रही है आज मेरे को यहाँ पे आप लोगों से हिंदी और इंग्लिश हिंग्लिश में बात करके। सो दोस्तों, आप जहाँ पे भी हैं, जितने लोग भी हैं सुन रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इसको शेयर करें। अगर अभी नहीं शेयर कर सकते, सुनने के बाद शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं हर साल मार्च या अप्रैल में हिंदुस्तान में आता हूं, और मैं हिंदुस्तान में रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूं, और आधी अगर मैं 3 हफ्ते के लिए आता हूं तो 1 हफ्ते घर और रिश्तेदारों में रहता हूं, बाकी 2 हफ्ते मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, MBA कॉलेजेस, IIMs, यहाँ पे मैं जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, स्पीचेस देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, ये मालूम करने के लिए कि क्या स्किल्स का गैप है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब मैं इंडिया में होता हूँ, उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कितने लोगों से मिल सकता हूँ, 1,000, 500, 1,500, 2,000, 4,000, 3,000। लेकिन टुडे द एज वी आर लिविंग, वी कैन रीच आउट टू सो मेनी पीपल। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम ऑन दिस यू नो फेसबुक ऑडियो लाइव, एज मैनी एज ग्लोबल ऑडियंस, एनीबडी कैन listen to it. So I will not go any further on explaining these things. Just to brief, ये शो मेरा हर मंडे को होगा 9 बजे इंडियन टाइम पे। हर मंडे को मैं 9 बजे आऊँगा, और जो हमारे यूथ की प्रॉब्लम्स है, हमारी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स है, बेसिकली वो जो प्रॉब्लम मेरी खुद की थी एक समय, और उनसे मैं कैसे निकला, और वही मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी यू आर फ्री टू हैव योर क्वेश्चन, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डालें और मैं उनको अगले मंडे को और दूसरे यू नो सेशंस में मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की डेट पे चाहे वो हिंदुस्तान हो और चाहे हिंदुस्तान के बाहर के लोग हों, जस्ट एक स्टैट शेयर करना चाहूँगा। देर आर 30 मिलियन इंडियन लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, वी कॉल देम NRIs इन 205 countries. So it's a global NRI population, and I think out of them being a national language, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत लोग फिल्मों के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू और जानते भी हैं। तो एक मेरे दिल में हमेशा था कि मैं हिंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैं बोलूं। मैं खुद भी हमेशा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई सारी हिंदी मीडियम में की है। तो बहुत अच्छा लगता है आज आप लोगों से बात करते हुए, और आज मैं जो एड्रेस करूँगा, 3 चीज़ें एड्रेस करूँगा दोस्तों। आज क्या है कि स्पेशली इन इंडिया, लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड दिस यूथ कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, बट द बिग चैलेंज दे आर फेसिंग अबाउट द जॉब मार्केट, हाउ टू गेट इनटू द मार्केट। बट नाउ बिलीव मी, टुडे यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल अबाउट द जॉब मार्केट, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ इन सच वे, एंड आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू डू दैट। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट ऑल दोस facts and figures, rather I am going to dive into the actual issue, actual problem, and not only that, I am going to provide you solution as well. So दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, देखिए क्या है कि एक समय था वो इंफॉर्मेशन एज थी, कि इंफॉर्मेशन मिलती नहीं थी। अगर आपको इंडिया से कनाडा में लेटर भेजना था आज के 25 साल पहले या 30 साल पहले तो या 40 साल पहले तो वो वाया सी जाता था। तो क्या होता था कि महीने लग जाते थे, और आज सब कुछ बोलते हैं ना कि लाइट की यू नो स्पीड से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी वेव से, आपको यू नो हमारा रेडियो वेव्स चलती हैं, जो हमारा डेटा चलता है, तो बेसिकली इंस्टेंट रीच। सो आज हम उस एज में जी रहे हैं, तो इट्स नो मोर इन्फॉर्मेशन एज, बिकॉज इन्फॉर्मेशन सबके पास है। तो जब इन्फॉर्मेशन सबके पास है तो वाई दे विल हायर यू, वाई दे विल वैल्यू यू। एवरीबडी हैज़ सेम इन्फॉर्मेशन, एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, बुक्स, एवरीथिंग।
आपने देखा होगा यहाँ तक कि हार्वर्ड, यू नो, सच एन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक हार्वर्ड, दे हैव मेड ऑल देयर कोर्सेज ऑनलाइन एंड फॉर फ्री. सो नाउ इफ ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर फ्री, देन व्हाट इज इन डिमांड, व्हाट स्किल्स इज गोइंग टू बी डिमांड. दोस्तों, तो मैं उस पे आता हूँ जिस पे कि आपको नो मैटर आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, फॉर दैट मैटर किसी भी मुल्क में हैं, एंड स्पेशली मैं यहाँ पे अपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के लोगों से गुजारिश करूँगा कि इनमें इतना बड़ा टैलेंट होता है. लोगों से, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, लेकिन एक जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, हाउ टू कम्युनिकेट, दैट इज़ अ वेरी वेरी लैगिंग स्किल्स. तो आज दोस्तों मैं तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और कैसे उनको इम्प्रूव करना है, मैं उनके रिसोर्सेज भी बताऊंगा. और वो तीन चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ मैंने बताई कि आज आपको जो स्ट्रांग करना है, जिस पे आपको काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हाउ टू कम्युनिकेट. अगर आपके पास किसी एम्प्लॉयर के पास चार रेज्यूमी आते हैं आज की डेट पे, तो हाउ ही इज़ गोइंग टू फिल्टर, ही इज़ गोइंग टू सी कि कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. वन इज़ द कम्युनिकेशन, सेकेंड थिंग इज़ रिसोर्सफुलनेस. वॉट इज़ रिसोर्सफुलनेस? रिसोर्सफुलनेस इज कि सपोज किया कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उसके बाद जो एम्प्लॉय ये देखता है कि ये बंदा ये काम कर सकता है कि नहीं, तो बेसिकली वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे ये लगेगा कि आप रिसोर्सफुलनेस आपके अंदर है. मीन्स रिसोर्सेज तो सबके पास हैं, लेकिन हाउ यू कैन टैप अप दोज रिसोर्सेज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. दोस्तों, या तो ये है, तो पहली चीज है वो आते हैं कि कम्युनिकेशन. तो हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन? व्हेन आई से द कम्युनिकेशन, बेसिकली इज वर्बल कम्युनिकेशन, बेसिकली स्पीकिंग, योर स्पीकिंग अ कमांड आइदर ड्यूरिंग द मीटिंग और ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन और यू नो टॉकिंग टू योर बॉस और ओवर द फोन. You know, everywhere communication played very, very important role. दोस्तों, मैं इस पूरे शो में कभी भी रिलीजियस बेस्ड डिस्कशन कोई नहीं करूँगा और कभी भी कोई पॉलिटिकल बेस्ड डिस्कशन नहीं करूँगा. अगर मैं उनको कभी रेफर करता हूँ, जस्ट फॉर शेयरिंग द नॉलेज, फॉर दैट मैटर ओनली. आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, आई रिस्पेक्ट यू नो एवरी, I won't say I respect every political party because I am kind of the neutral person. But यहाँ पे मैं example देना चाहूँगा कि communication इतनी important चीज़ है कि अगर आप मोदी साहब के अंदर से जो उनकी communication skill, अगर उसको आप निकाल दें, तो बहुत बहुत बड़ी power उनके हाथ से छिन जाएगी. तो he is a very very skilled orator. Same way like Obama, like Donald Trump. Please don't quote me that I am quoting these names because many people like them or they don't like them. I'm not talking about that. I'm talking about only just communication skill, how they can basically attract the audience. And even the, you know, the leader who were in the past, Gandhi, leader like Martin Luther King. And there are so many great leader and oratorship, like, you know, the public speaking, one of the best sought after skill for any leader. So communication is that much important, दोस्तों. So अभी मैं इसका आपको resource बताऊंगा कि कैसे communication को improve करना है. हमारे हिंदुस्तान में जैसे मैं जाता हूँ रायबरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, बहुत सारे और remote places में, तो अभी जैसे कि रायबरेली में एक मैं स्कूल में गया, 12th तक स्कूल था. हमारे एक गुरुजी थे जो जिन्होंने हमको पढ़ाया था, सो आई थिंक ही इज़ सपोर्टिंग एंड रनिंग दैट स्कूल. तो वहाँ पे जब गया और बच्चों से मिला, तो बच्चों को मैं बताने लगा कि देखिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आपके लिए और हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश हमारी ग्रोथ भाषा है. अगर आपको ग्रो करना है दुनिया में, तो इंग्लिश पे प्रोफिशिएंसी लानी बहुत ज़रूरी है. तो मैं वहाँ पे गया और बच्चों से बात करने लगा, और वो 9, 10, 11 के इस स्टैंडर्ड के 12 के बच्चे थे. सो उनसे मैंने बोला कि आप इंग्लिश इंप्रूव करो, आप रेडियो सुना करो. तो कुछ बच्चे ना ऐसे धीरे धीरे से थोड़ा सा बात करने लगे, उनको थोड़ा अटपटा लगा. तो मुझे कुछ शंका हुई, क्या बात है, तो उन्हें से पूछा, तो पता लगा कि उनके घर में रेडियो भी नहीं था.
फिर इस तरीके से वहाँ पे फिर उन बच्चों को खड़ा किया और बोला कि बताइए कितने बच्चे हैं जिनके घर में रेडियो भी नहीं है। तो उसमें 24 बच्चे थे, आई थिंक अराउंड 70 बच्चे बैठे हुए थे, 60-70 ऐसे। तो 24 बच्चों को मैंने खड़ा किया और मैं शेयर करूँगा, ये सारे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए हुए थे और पिक्चर भी, आज ही चलिए शेयर करता हूँ। तो फिर मैं रायबरेली गया, 24 रेडियो सेट पैक करवाए, उनमें बैटरी डलवाई और दूसरे दिन जा करके हर बच्चे को वो रेडियो सेट हमने गिफ्ट किए और बोला कि सुना करो। सो दोस्तों, एक तो तरीका हो गया खैर रेडियो का उन बच्चों के हिसाब से, लेकिन आप जो लोग सुन रहे हैं हो सकता है कि बड़े शहरों से हों, हो सकता है कोई लखनऊ से हों, या हो सकता है कि कोई दिल्ली से हों, या जो बड़े बड़े शहरों से हैं। तो अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है दोस्तों, से उसके लिए जो सबसे बड़ा रिसोर्स मैं बताऊँगा, हमेशा मैं बोलता हूँ क्योंकि इस चीज़ ने मेरी खुद की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी दोस्तों। बहुत कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोलने के लिए मुझे इंग्लिश चाहिए थी, उस पर कमांड चाहिए था, लेकिन वो नहीं था, ठहरा मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। इसी तरह का हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे उर्दू मीडियम से होंगे, पंजाबी मीडियम से होंगे, गुजराती मीडियम से होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगे। तो वो जहाँ पे भी हैं, अगर आप नॉर्थ अमेरिका यूरोप में हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे अगर उन देशों में, अगर आप सही शहरों में, थोड़ा बड़े शहरों में रहते हैं, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे टोस्ट मास्टर दोस्तों जरूर होगा। टोस्ट मास्टर्स आप गूगल करें, टोस्ट मास्टर्स, और उस पर देखें कि आपके पास कितने दोस्तों को मैंने ज्वाइन कराया है बॉम्बे में, दिल्ली में, यहीं से बात करके फेसबुक के थ्रू। उन्हें मालूम ही नहीं था कि टोस्ट मास्टर होता क्या है। जस्ट इन ब्रीफ दोस्तों, टोस्ट मास्टर क्या होता है कि मैं अगर कैनेडियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड से बात करूं तो 150 से $200 आपको साल के देने पड़ते हैं, और पूरा करिकुलम होता है वहाँ पे, बुक्स आपको दी जाती हैं, और उसके दो ट्रैक्स होते हैं, एक ट्रैक होता है आपका लीडरशिप का, दूसरा होता है कम्युनिकेशन का। तो ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन होती है दोस्तों, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक आधे घंटे का शो रखूँगा, ये 9 to 9:30 इंडियन टाइम। सो कैनेडा का जो टाइम है वो 10:30 to 11 आज के हिसाब से, बिकॉज इन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में साल में दो बार टाइम चेंज होता है, लेकिन हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में टाइम एक जैसा रहता है। तो हिंदुस्तान के यू नो हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 o'clock एवरी मंडे आई विल कम। सो ये रहा आपका पहली स्किल, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन दोस्तों। आप इवन कैनेडा में भी जो लोग हैं, कहीं पे भी हैं दोस्तों, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और मैं आपसे, आप मेरे हाथ नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूँ कि ये आप सोचते होंगे राकेश आपको क्या मिलता है, आप हाथ जोड़ते हो, आप विनती करते हो, आपका क्या है इसमें दोस्तों। किसी ने बोला है कि अगर गरीबी मतलब थोड़ा सा हिंदी में अटपटा पड़ता है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, द बिगेस्ट हेल्प यू कैन डू टू पुअर पीपल नॉट ट्राई टू बी पार्ट ऑफ देम, कि अगर आप अपनी खुद की गरीबी खत्म कर दो, वो सबसे बड़ा आप गिफ्ट देते हो उस देश को, उस कम्युनिटी को और अपने परिवार को। तो दोस्तों मैंने वो किया, मैं जिस गरीबी से निकलता हूँ और यही टूल यूज़ करके निकला हूँ। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप होती है, लेकिन वो वरदान भी बन सकती है अगर आपको उससे अच्छी तरीके से उसको यूज़ करना आता है अपने कैरियर के लिए, उसको फायर बना दो दोस्तों। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब शुरू शुरू में देता था, एक बबूल का कांटा होता है, पता नहीं जो लोग सुन रहे हैं उनको मालूम है कि नहीं बबूल के कांटे का मतलब क्या होता है। एक बबूल का कांटा होता है दोस्तों और एक गुलाब का फूल होता है। तो बबूल के कांटे में और गुलाब के फूल में क्या फ़र्क होता है, कोई टाइप करेंगे? मैं देख भी रहा हूँ कमेंट्स कि आप टाइप करें कि बबूल के कांटे में और गुलाब के फूल में क्या फ़र्क होता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा, बीच में मैं ये बोलूँगा, मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पे कि जितने लोग भी यहाँ पे ऑनलाइन हैं, 1 लोग 2 लोग 10 लोग जो भी हैं, कैन यू प्लीज़ टाइप कि आप किस सिटी से हैं, शहर से, किस शहर से हैं। आप कनाडा से सुन रहे हैं, या इंडिया से सुन रहे हैं, या पाकिस्तान से सुन रहे हैं, या बांग्लादेश से सुन रहे हैं, दुनिया में कहीं से भी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी सुन रहे हैं, कि मेरे फेसबुक लाइव में इन कंट्रीज से लोग होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ आप ये टाइप करें किस सिटी से आप सुन रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मालूम चलेगा कि कौन लोग कहाँ से सुन रहे हैं।
हाँ, तो मैं ये बोलने वाला था कि क्या बोलने वाला था, मैं बीच में साइड ट्रैक हो गया. एनीवे, तो मैं टोस्ट मास्टर आपकी कम्युनिकेशन के लिए हो गया. और उसके बाद चलिए हम दूसरी स्किल जो आज आपके कैरियर पे बहुत बड़ी बाधा बन रही है, और वो सबसे बड़ी चीज़ आपके दोस्तों होती है, वो होता है माइंडसेट. माइंडसेट क्या होता है? अच्छा, तो मैं भूल गया था कि क्या बात कर रहा था. तो दोस्तों, बबूल के कांटे में और गुलाब के फूल में फर्क ये होता है कि बबूल के कांटे को मुरझाने का डर नहीं रहता. तो मतलब उसका ये हुआ कि जब आप बहुत गरीब होते हो तो आप परेशान होते हो, अरे मैं तो गरीब, मैं कुछ कर ही नहीं सकता. लेकिन उसका मैंने जो अपनी लाइफ में उसका पॉजिटिव रूप अप्लाई किया था, वो किया था, अरे मैं गरीब हूँ, इससे ज़्यादा गरीब क्या होऊंगा, तो आगे जो भी मेहनत करूंगा कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा ही. तो मैं अपने गरीबी को बबूल के कांटे से तुलना करते हुए, और जो अमीर लोग थे उनको गुलाब के फूल से तुलना करते हुए, कि गुलाब का फूल आज है, अगर उसको अच्छी तरीके से नहीं रखा गया या दूसरे गुलाब के फूल से नहीं बदला गया तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन बबूल का कांटा अब इससे और पतला क्या होगा. तो वो इसी तरीके से अपने आप में लाइफ में जैसे आगे बढ़ता गया, जितनी परेशानियां होती गईं, मैं उनको अपनी स्ट्रेंथ में बदलता चला गया. दिल्ली में गया, ठीक से खाने पीने का वक्त नहीं मिलता था, बहुत दुबला था, पतला था, तभी दिखाई देता था और रास्तों में जाता था कि लोग जिम में जा रहे हैं, इतने मोटे हो गए, उनको कम करने के लिए जिम में जा रहे हैं. तो मैं सोचता था, अरे चलिए ठीक है, मैं उतना मोटा हूँ ही नहीं, तो मुझे चलिए पैसे नहीं खर्चा करने हैं. लेकिन यू नो, लेट्स नॉट गो इन टू द डिटेल, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशंस के, बहुत सारे उनकी प्रॉब्लम की वजह से देर आर सम अदर कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो गेट्स डेवलप्स. आई वोंट प्रमोट कि आप खाना ना खाएं, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी. अगर कभी कभी खाना होता भी तो खाने का वक्त नहीं होता था, ट्यूशन पढ़ाता था, कोचिंग करता था. अब ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा. तो दोस्तों, तो ये था कि बबूल के कांटे और गुलाब के फूल को जो मैंने तुलना दी, वो इसलिए कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ हमारे से इन्हों छिन गया है या हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने को बबूल का कांटा समझें और आगे बढ़ते जाएं. कुछ भी स्टेप ही करें और आगे ही जाएंगे और उससे नीचे नहीं जाएंगे, तो वो एक आप शक्ति के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों, बहुत तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, चलिए. तो पहली चीज़ हो गई कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए. दोस्तों, तो आप यू नो यूट्यूब में जा सकते हैं, फेसबुक में जा सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, बुक्स, ऑडियो वीडियो कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड टूल होता है वो है टोस्ट मास्टर. अगर आपके एक्सेस है तो उसमें आप जाएँ टोस्ट मास्टर और वहाँ पर ज्वाइन करें. वो आपको सब कुछ बताएंगे, कैसे बात करनी है, कैसे ग्रामर यूज़ करनी है, कैसी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कैसे पॉजेज यूज़ करने हैं, कैसे फिलर वर्ड्स को नहीं यूज़ करना है, कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है. और सबसे अच्छी बात दोस्तों वहां पे ये होती है कि टोस्ट मास्टर में जब आप जाते हो तो सब लोग वहां पे उस रास्ते से होके गुजरे हैं जिनकी ग्रामर खराब थी, जिनको बोलना नहीं आता था, कांपते थे, डरते थे. तो अगर आप मिस्टेक करोगे तो लोग हंसेंगे नहीं, लोग आपकी हेल्प करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट. अगर आपको लगता है किसी शहर में है, हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्री के, और आपको मुश्किल पड़ रही है, आप मेरे को लिखें और चाहे आप मुझसे कनेक्ट करें और जाए मेरी वेबसाइट में coachrakesh.com/connect. तो उससे क्या होगा कि आप उसमें सारे टाइम्स होंगे, जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है बुक कर लेंगे, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूंगा. दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में मैं आपको कॉल करूंगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम होगा मैं आपसे बात करूंगा और कोशिश करें कि एक ही दो प्रॉब्लम डिस्कस करें और मैं आपकी हेल्प करूंगा और मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी. दोस्तों, आप लोगों ने, इस दुनिया ने, स्पेशली हिंदुस्तान ने और कनाडा ने इतना सब कुछ दिया है मेरे को, अब मुझे लगता है कि इसी बहाने मैं अगर किसी की हेल्प कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात होगी. तो दोस्तों, ये रहा कम्युनिकेशन का. दूसरी चीज़ पे हम आते हैं माइंडसेट पे. माइंडसेट पे क्या होता है, कभी कभी लगता है, आप सुनते होंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में, अरे लोग लाखों कमा रहे हैं, लोग करोड़ों कमा रहे हैं. आपको लगता, अरे भाई, या तो वो झूठ बोलते होंगे या वो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, बड़े बड़े, हम नहीं कर सकते हैं. दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो पिछले 18 महीनों में मैंने एक तरीके से जॉब की ही नहीं, US, यूरोप, इंडिया, कैनेडा, सब जगह कॉन्फ्रेंसेज, कोचेज, अपने कोच हायर किया और इन्हीं सब चीज़ों करता रहा, ये पता करने के लिए कि ये सच में सब कुछ सही है या कि सारा बस केवल झूठ का ही है. तो जब लोगों
लोगों से मिलने लगा दोस्तों, कॉन्फ्रेंसेस करने लगा। एक एग्जांपल दूंगा आपको, शो ऑफ करने के लिए नहीं लेकिन अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए उसको दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहता था। तो पता लगा कि जब तक आप कोच हायर नहीं करोगे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हम कहा चले कोच हायर करते हैं। तो एक मैंने अपना कोच हायर किया और उसकी वेबसाइट है steveloval.com। ही चार्जेस राइट नाउ 24,000 US फॉर वन ईयर कोचिंग एंड आई हायर हिम फॉर लास्ट वन ईयर। 24,000 US मीन्स अराउंड 30,000 Canadian मीन्स अराउंड 15 lakhs Indian rupees फॉर वन ईयर कोचिंग। हाँ दोस्तों, बहुत पैसा लगता है आगे कुछ करने के लिए, लेकिन मैं आपसे नहीं चाहता हूँ, आप भी वो करेंगे आगे चल के अगर आगे बहुत बढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ आप कम से कम यू नो $150-200 साल का जरूर दे सकते हो। और टोस्ट मास्टर ज्वाइन करो, जब आगे बढ़ोगे कमाओगे तब और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना और उसके ही उतने बड़े रिटर्न होंगे दोस्तों। तो माइंडसेट की मैं बात कर रहा था कि माइंडसेट से क्या होता, अरे हम ये कर ही नहीं सकते, अरे राकेश जी क्या बात कर रहे हैं, 15 लाख रुपये और एक साल के। दोस्तों हाँ, ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, और यही चीज़ मैंने 18 महीने में देखी, ये सब कुछ सही है। आज आप जो सोशल मीडिया इंटरनेट में देखते हैं तो यस आई डू एग्री विद यू, 70-75% चीज़ें इन्फ्लेटेड होती हैं। लोग बोलते हैं मिलियंस लेकिन उतना बताते नहीं हैं। लोग बड़ी 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 बातें करते हैं, ये कोर्स इतना कर देगा उतना कर देगा, सारे नहीं लेकिन यस 15-20% चीज़ें वो सही होती हैं दोस्तों। तो कम से कम मैं इस पोजिशन पर हूँ, जब आप मुझसे आप कनेक्ट करेंगे कॉल करेंगे तो मैं आपको ये बताऊँगा, ये गाइड कर पाऊंगा कि दोस्तों ये सही है, मैंने इसको यूज़ किया है या मेरे उन दोस्तों ने यूज़ किया है या मेरे मेंटर और कोचेज ने यूज़ किया है। तो एटलीस्ट मैं इस पोजीशन पे हूँ कि जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन उस माइंडसेट को कभी कभी दोस्तों हालात ऐसे होंगे घर पे, यू नो भगवान कभी ऐसा ना करे, लेकिन घर पे डेथ होती है, घर पे लोग सिक होते हैं, बैंक्रप्सी होती है, लोग बिजनेस लूज करते हैं, जॉब लूज करते हैं, पैसा लूज करते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी और इसी का नाम जीवन है। लग तो ऐसे रहा जाए कि जैसे कि मैं बाबा बन गया हूँ, लेकिन दोस्तों यही सही बात है। और आपसे मैं क्या बताऊँ, बहुत लोग मेरे बारे में खुद जानते होंगे कि मैं जिस तरीके से गाँव से आया, बहुत कुछ दोस्तों ने मैंने फेस किया और उससे ये चीज़ मिली कि उससे मैं बाहर निकल के खुद मैं कैसे आया। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं, मैं बहुत सारे हमारे दोस्त हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, कनाडा में, अलग अलग, जिनको कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों माइंडसेट के लिए कि कभी कभी जब आप परेशान होगे, यू नो डिसहार्टेड होगे, तो उससे बाहर आने के लिए कुछ किताबें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी आपको पढ़ने के लिए। अगर कभी आपने ये दो किताबें नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा। मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में काम कर रहा था, अशोका स्टेट बिल्डिंग में, नेटवर्क लिमिटेड में, 12 खंभा रोड पे, बात है 1991-92 की। तो एक हमारे केरला के दोस्त थे, उनके साथ हम लोग मूवी देखने जा रहे थे, और तो हम जब मूवी देखने जा रहे थे और तो उन्होंने बोला कि मैं ज़रा अमेरिकन लाइब्रेरी में, KG कस्तूरबा गांधी मार्ग में वो अमेरिकन लाइब्रेरी थी दिल्ली में, तो वो अंदर गए बुक ड्रॉप करने के लिए और मैं रिसेप्शन में खड़ा रहा और मेरी आंख दोस्तों पड़ी एक अंग्रेज़ लड़की के ऊपर। और अमेरिकन, शायद अमेरिकन रहे क्योंकि अमेरिकन लाइब्रेरी है, गोरी थी, खूबसूरत थी। मैं उसको घूरे जा रहा था, अचानक उसकी निगाहें मेरी निगाहों पे पड़ी और मैं शर्मा गया और मेरी निगाहें उसके हाथों में पड़ी। और दोस्तों उसके हाथों में, उस लड़की के हाथों में दो किताबें थी। तो मैं हिचकते हुए उसके पास गया और बोला कि कैन आई हैव अ नेम ऑफ दिस बुक्स, द टाइटल ऑफ दिस बुक। एंड दोस्तों वो जो दो बुक उस लड़की के हाथ में थी, एक बुक का टाइटल था थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल और दूसरी बुक का टाइटल था द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों ये दो बुक्स ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर ली। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, जहाँ भी आपको ये बुक्स मिल सकें, अगर आपको ये बुक्स फ्री में सुननी हैं तो यूट्यूब में जाएं और ये टाइटल टाइप करें और आपको ऑडियो फ्री में सुनने को मिलेगी। जब भी ये बुक सुनें या पढ़ें, क्या करें कि आप नोट्स बनाएं। मेरे हिसाब से जितने चैप्टर्स हैं उन बुक्स में, हर चैप्टर से एक चीज़ कौन सी सीखें उसको आप लिखें कि इसको मैं लाइफ में अप्लाई करूंगा। दोस्तों ये ज़िंदगी आपकी बदल देंगी ये दो बुक्स। मैं कोई कुछ आपको बेच नहीं रहा हूं और ना ही कोई मैं साधु और बाबा हूं। ये इन किताबों ने हमारी ज़िंदगी, एक उस गाँव के लड़के को कि जिसके पास इलाहाबाद में 165 रुपये साइकिल खरीदने के नहीं थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उसके पास शायद 154 रुपये थे, और एक राय साहब थे ललित नगर रेलवे कॉलोनी इलाहाबाद में, उन्होंने साइकिल देने से मना कर दिया। और जब आज यहाँ आ करके 5-7 साल पहले जब पहली बार अपनी मर्सिडीज SUV खरीदी तो वाइफ के साथ जब उसमें बैठा तो मैं रोने लगा। वाइफ ने बोला अरे
क्यों रोते हो? तो खुशी के दिन का आप नहीं समझोगी। रो इसलिए रहा हूँ कि अगर आदमी कुछ जी जान से ठान ले करने की, तो आज ये गाड़ी लगभग 1 करोड़ की होती है, ML 350 जो वर्जन है, डीजल का। आई थिंक इंडिया में कुल मिला के टैक्सेस वगैरह हाई ड्यूटी होती हैं जर्मन कार्स पे, आई थिंक 1 करोड़। तो एक वो समय 25 साल पहले की बात है कि 150 रुपये, मतलब 10-15 रुपए कमी से साइकिल नहीं खरीद सका, और आज 1 करोड़ की गाड़ी में। तो क्या मैं, मतलब एक शो ऑफ करने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मैं इतना अमीर हो गया, ये बताने के लिए कि कुछ भी दोस्तों पॉसिबल है। मैं किसी दूसरे की कहानी, किसी दूसरे की बुक नहीं, मैं अपने ऊपर जो अप्लाई किया वो आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, और अपने फेसबुक के कमेंट सेक्शन में इनके फिर से मैं लिंक्स डाल दूंगा। तो बुक का नाम है, एक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल ऑथर, और दूसरी का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शॉर्ट्स। सो दो चीज़ें हो गई दोस्तों, एक हो गया कम्युनिकेशन और दूसरा हो गया माइंडसेट। तो ये दो किताबें आपको माइंडसेट, हमारा माइंड मिडिल क्लास और पुअर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, सेविंग 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 या, लेकिन ये जो किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग, ये आपको बताएगी सेविंग पे फोकस आप नहीं करें। सेविंग पे कम से कम 40 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा सेविंग पे फोकस नहीं करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप वुमनाइजर नहीं हैं, आप अगर गैम्बलर नहीं हैं, आप अगर अल्कोहल में नहीं हैं, आपके अगर बैड हैबिट्स नहीं हैं, तो आप कहाँ पैसा बर्बाद करोगे? इसका मतलब यू विल कट डाउन विद योर लाइफस्टाइल। आप बच्चों को अच्छी जगह घुमाने नहीं लेके जाओगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, अच्छी गाड़ी नहीं चलाओगे, अच्छे घर में नहीं रहोगे, ये आपको ज़रूरी है। तो कोशिश ये करो कि सेविंग नहीं, सेविंग फोकस करने के अलावा आप कोशिश करो कि बहुत सारे और इनकम के स्रोत ढूंढो, या अगर एक ऑफलाइन इनकम का स्रोत है, आप 9-to-5 जॉब करते हो, तो एटलीस्ट एक ऑनलाइन सोर्स पकड़ो, या तो इन सब चीज़ों के बारे में। अब मैं सारी चीज़ अभी तो नहीं बोल सकता, और एक ही आधे घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोलूँगा, लेकिन यू आर फ्री टू रीच आउट टू मी। आप लिखें मेरे को youreachrakesh@gmail.com, youreachrakesh@gmail.com, youreachrakesh@gmail.com। और अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहेंगे दोस्तों, दुनिया में किसी भी कोने में आप बैठे हों, आप मुझसे कनेक्ट हों, मैं आपको कॉल करूँगा 15-20 मिनट, मैं आपको फ्री में बात करूँगा। एक दो प्रॉब्लम रखें और चांसेस बहुत हैं कि मैं उनका आपका सोल्यूशन बताऊंगा। और उसमें हमें फ़ोन पे बात करने के लिए मेरी ये लिंक है www.coachrakesh.com/connect। दुनिया में कहीं भी हूँ मैं कॉल करूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आप कोई भी हों, आप इंग्लिश समझते हों, हिंदी समझते हों, उर्दू समझते हों, किस भी मुल्क से हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक हिंदी में कहावत है कि वसुधैव कुटुंबकम, बोला तो सब कुछ गया है हमारी किताबों में, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब उसको फॉलो किया जाए दोस्तों। तो ये पूरा वसुधैव सुन रहा है मेरे को, तो जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहेगा दोस्तों, बात करना चाहते हो, तो अगेन आई विल रिपीट coachrakesh.com/connect, या आप मुझे लिख सकते हैं youreachrakesh@gmail.com। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हो गई, एक हो गया कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया माइंडसेट, और मैं भी तीसरी चीज़ पे आता हूँ लोगों दोस्तों कि वो तीसरी चीज़ आपकी क्या है, और वो है हाउ टू डील विद द पीपल। ये बहुत बड़ी स्किल है, हाउ टू डील विद द पीपल। व्हेन आई से हाउ टू डील विद द पीपल मीन्स दोस्तों से कैसे डील करना चाहिए, और इसी तरीके से जॉब प्लेस पे लोगों से कैसे डील करना चाहिए, अपने बॉस से कैसे डील करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से कैसे डील करना चाहिए, ट्रेन में कैसे लोगों से डील करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ओल्ड बुक है, आई थिंक कोई बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने वो बुक नहीं पढ़ी होगी, एंड हाउ विन and how you influence people, that title exactly I'm not remembering that, how to win and influence people, ye aapki Dale Carnegie ki book thi, I think Dale Carnegie, so don't quote on me friends, agar mil gayi to main aapko turant bataunga, but yeah, some, agar kisi ko malum hai to please type it out, and how win and in how win friends and how win फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये बुक अगर आपको जहाँ भी मिले आप जरूर पढ़ें दोस्तों, ये आपको समाज में, कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है अरे मुझे कोई पसंद नहीं करता, या आपको लगता है अरे मैं तो सही बोलता हूँ, लेकिन हाउ दे टेक इन डिफरेंट वे, तो होता है कि आप सब कुछ बोल रहे होते हो, लेकिन बोलने का आपका जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि काफ़ी वो डांटिंग होता है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे क्या कहते हैं कि आप जो है,
उनको नीचा दिखाने की कोशिश करो, जबकि आपका जो इंटेंशन होता है उनको हेल्प करने को होता है। तो वो उस सारी बुक में ऐसे बताया गया है कि किस तरीके से आप बोलें। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें आज, आई थिंक टाइम भी काफ़ी हो गया और आधे घंटे में हमेशा आऊँगा। तो दोस्तों ये अगेन मैं एक तरीके से रिकैप करता हूँ कि आज हमने तीन चीज़ें, स्पेशली अपना जो हमारा यूथ है दुनिया में वो जॉब मार्केट के लिए, फॉर दैट मैटर ये जो तीनों रिसोर्सेज हैं किसी के लिए भी अप्लीकेबल हैं, आप यूथ हैं या आप एडल्ट हैं एंड फॉर दैट मैटर आप किसी एज ग्रुप में हैं, ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी। सो दोस्तों फिर से आज जो मैंने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं आप लोगों से, वो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ये कम्युनिकेशन के लिए कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन सो दैट यू नो यू विल बी placed in highly paid job and with the full, you know, that as a leader in marketplace. And for that, the resource I said, join the Toastmaster wherever you are. If you don't have a Toastmaster, go to the Toastmasters website, toastmaster.org, or you just type in the Google Toastmaster and just read about it, how to start the Toastmaster. अभी मेरे एक दोस्त हैं महेश गुप्ता जी, और वो प्रिंसिपल हैं ITI रांची में, और उनसे बात हो रही थी तो उनको मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि शायद वहाँ पे नहीं है, तो मैंने यहाँ से जस्ट गूगल किया Toastmaster रांची, और फिर वहाँ पे Toastmaster रांची में है, फिर उनको मैंने यहाँ से बताया कि ये यहाँ पे है, तो शायद वो कनेक्ट किए होंगे। इसी तरीके से बॉम्बे में है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और तो आप ये उनसे अटैच हों, और अगर Toastmaster नहीं है तो आप खुद शुरू कर सकते हो वहाँ पे चैप्टर, या Toastmaster की स्टाइल में आप शुरू कर सकते हो। ये तो एक तरीके से सबसे बड़ा गिफ्ट है दोस्तों, मुझे आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन मेरा जो मिशन है, आई वॉन्ट टू बिकम अ बिलियनेयर, वो पैसे से नहीं दोस्तों, लोगों से। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू बिलियन पीपल टू हेल्प देम, इसी तरीके से हेल्प देम जैसे अभी कर रहा हूँ। पैसे से मैं कोई इतना बड़ा रिच आदमी नहीं हूँ, अगर पैसे से किसी को हेल्प की भी जाए तो जैसे किसी को आप फिश दे रहे हैं खाने को, तो वो अच्छा नहीं होगा, रादर आप कैसे फिश की जाती है फिशिंग सिखाएं, तो वो मैं दोस्तों कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ है कम्युनिकेशन की, उसको इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्स है ज्वाइन Toastmaster वेयर एवर यू आर। दूसरा रिसोर्स दोस्तों मैंने बताया वो है माइंडसेट के लिए, हाउ टू इम्प्रूव योर माइंडसेट, मींस कोई भी परेशानी आई आपकी जॉब लूज होगी, भगवान कभी ऐसा ना करे, लेकिन अगर होता है यू लूज योर जॉब, कोशिश तो होता तो ये है दोस्तों कि जितनी बड़ी एडवर्सिटी आप फेस करते हो, जितना बड़ा फेलियर आप देखते हो, चांसेस हैं कि उतना ही बड़ा आप ऊपर जाओगे। या मैं तो ये बोलता हूँ अपनी लाइफ में कि फेल अर्ली, फेल फास्ट, फेल बिग। अगर आप कभी आपने लाख रुपए भी लूज़ नहीं किए हैं किसी बिजनेस में या किसी में रिस्क नहीं लिए हैं, तो अगर कभी आप 100 रुपए भी लूज़ करेंगे कहीं पे तो आपको दुख होगा, लेकिन 1 लाख 10 लाख अगर ऐसे लूज़ करना आपने सीख गए तो आपको दोबारा ये लगेगा, अरे 10 लाख तो मैं लूज़ कर गया था, आई नो, और ये लेसन मेरे को मिला। तो क्या होता है कि फेलियर ऑलवेज गिव्स यू लेसन, बट सक्सेस ऑलवेज मेक यू इनसिक्योर, ज़्यादातर केसेस में, वरना इसे ऑलवेज एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर दोस्तों। तो बड़ा अच्छा लगा आज का दिन। तो अगेन जो थर्ड थिंग रह गई है, सो या तो फर्स्ट वाज कम्युनिकेशन एंड फॉर दैट यू हैव टू जॉइन Toastmaster, सेकंड वाज द माइंडसेट एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड टू बुक्स, वन बुक इज थिंक एंड ग्रो रिच, सेकंड बुक इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एंड द थर्ड थिंग इज हाउ टू डील विद योर पीपल, विद योर कोलीग, विद योर वर्क प्लेस एट इन योर सोसाइटी, एंड दैट बुक इज कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स and influence people, something like that. And that book has changed so many lives. Basically, that is a must book in North America and for that matter, anywhere you are. So, दोस्तों, ये आज आपकी तीन books और तीन चीज़ों के लिए, तो hopefully I was able to add some value in your life. And it's my humble request, please share this audio same way you share pictures and videos, so share on your timeline on different platform, that will be the gift for me दोस्तों। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो मुझे आशा है कि आप मुझे इतनी हेल्प जरूर करेंगे कि ये मेरा ऑडियो शेयर करेंगे, मेरे बिलियन जो लोगों को पहुंचने का टारगेट है उस पे आप अपना योगदान देंगे, अपना सहयोग देंगे। और मैं मार्च और अप्रैल में मैं इंडिया आने की सोच रहा हूं, और आप जहां भी होगे आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मीट यू गाइस, एंड आई विल यू नो ज़्यादातर लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे, यहां पे मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूं, तो मैं बताऊँगा भी आपको ऐसी
audio radio live ke through ke main kahan kahan pe hu, and I'll be more than happy to welcome you to come and meet. Yeah, and kuch bhi aap chahein ki in my next Monday aap kya discuss karna chahte hain, main to apne aap se topic decide karunga hi, lekin agar aapko aisa lagta hai ki this will be the relevant topic, I'll be more than happy to discuss that topic. Kuch bhi ho sakta hai doston. Aapke jeevan mein 6 cheeze hoti hain, main usko bolta hu 6 pillars jo maine khud apne aap se design kiya hai ek tarike se, aur ki there are 6 your life around these 6 pillars. If you want, you can write it down. Health, wealth, family, social life, spirituality, and career. These are the 6 things in your life. So if you want, write down today in the evening or whenever you have 1 hour time, just write down and just see out of these 6 pillars, which one is your worst pillar, and try to put immediate attention, energy, and resource on that pillar to improve. And similarly, try to balance others. But the worst one is very, very important to take care, especially if it has to do with the health, wealth, and family. Health seems to be the first priority, and then the family, and then the wealth. It depends where you are, which country you are, and what kind of a system you are living with. But yes, these 6 pillars, doston, dil nahi karta aapko chhodne ko lagta hai, baatein karta rahun. और अभी इसके बाद देखूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा कौन-कौन लोग आए, लेकिन कुछ नाम जो हमें यहां पे दिख रहे हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा उन नामों को. खुशी होती, मेरे सेलफोन से भी पढ़ रहा हूं, बहुत सारे इसमें मैं नहीं पढ़ सकता. तो कुछ नाम दिख रहा, अजय बुशारी जी, थैंक यू वेरी मच. बीएन द्विवेदी, थैंक्स अ लॉट. मुकेश वर्मा दोस्त, थैंक यू वेरी मच. याकूब भाई, थैंक्स अ लॉट. पंडित शुभम शुक्ला फैजाबाद से, क्या बात है. मनोज द्विवेदी जी, सधोला मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच सधोला भाई साहब, बहुत अच्छा लगा. संजय मिश्रा जी और बहुत सारे लोग, मैं सबके नाम सेलफोन पे नहीं पढ़ सकता जितने नाम आ रहे हैं. दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और आखिर में ये आपका दोस्त राकेश मिश्रा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टोरंटो, और आप कह सकते हैं राकेश मिश्रा रायबरेली वाले. बड़ी खुशी होगी, और किसी भी तरीके से अगर आपके काम आ सको, बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरे दिल में था कि मैं ऐसा बोलूं अपने खुल के अपने हिंदी में, और मज़ा आ रहा है कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में बात कर रहा हूं. 12,000 किलोमीटर आपसे, हिंदुस्तान में आपसे दूर, यहां पे टोरंटो से, अपने घर से. क्या समय आ गया है कि कभी सोचा भी नहीं था कि यहां बोलूंगा और सब लोग सुनेंगे. सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑनलाइन मेरे को सुनने के लिए, और इंतज़ार रहेगा आपका, आपके कमेंट्स का, और आप क्या ऐड करना चाहते हो, क्या हमने अच्छा किया, क्या ख़राब किया, कहाँ पर इम्प्रूव करना है. आपके सजेशंस हमेशा मेरे को इंतज़ार में रहेंगे, पूरे हफ्ते में देखूंगा. और प्लीज़ प्लीज़, इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दिस ऑडियो. इफ यू फील दिस ऑडियो वॉज यूजफुल, प्लीज़ शेयर. शेयर विद द पेरेंट्स, शेयर विद द फ्रेंड, शेयर विद यू नो ऑन योर फेसबुक, ऑन यू नो यूट्यूब, और यू नो वाट एवर द मीडिया. एंड माई फोकस विल बी पेरेंट्स एंड यूथ, because parents are facing big challenge from their children, and youth is facing tough time to get into a job market. But my main intention is that help a youth not to worry about the job, and slowly slowly I'll be coming into that also, that how you can do that. This online social media and internet, there are so much, but people get confused how to, where to start. I am going to walk you through a step by स्टेप दोस्तों, ये किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू अपनी सैलरी को रिप्लेस कर सकते हो, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करोगे दोस्तों. सो विद दैट आई थिंक दिस इज़ टाइम, आई थिंक इट्स मोर देन हाफ एन आवर. माई टारगेट विल बी ऑलवेज इंडियन टाइम 9 to 9:30. And that's how. So see you next Monday at 9 o'clock, doston. Aapka dost Rakesh Mishra, all the way from Toronto, Canada, aur India mein Raebareli se. To Rakesh Mishra Raebareli wale, ab aapko ek hafte ke liye chhodte hain inhi shabdon ke saath, aur phir hum milte hain agle Monday ko 9 baje. Thank you very much. Thank you very much, doston. Bahut bahut sara mera aapko kya bolen, aashirvaad. धन्यवाद, थैंक यू,
शुक्रिया जो कुछ भी, और मिलते हैं अगले मंडे को. बाय बाय, यू टेक केयर.